सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। हमारा लक्ष्य वही रहेगा जो दुष्यंत चौटाला जी का है, जिस तरह से वो सांसद के अंदर जो मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो किसान भाइयों के हों मुद्दे, चाहे वो यूथ एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, चाहे वो फॉर दैट मैटर चाहे वो जो है महिलाओं के सुरक्षा के इश्यूज़ हैं, वही सेम जो मुद्दे हैं हम उनको जो है आगे लेकर चलेंगे। आप कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे? देखिए, आज अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हरियाणा को ज़रूरत है वो एक बदलाव की ज़रूरत है। उस बदलाव का जो रूप है वो है मिस्टर दुष्यंत चौटाला, और इसी रीजन से जो आप जिस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं उसी चीज को हटाने के लिए, जो हमारे हरियाणा के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी जिंदगी को बेटर करने के लिए, जो आप बेसिक नेसेसिटी की बात करते हैं, जैसे अगर आप शिक्षा की बात करते हैं, आप रोजगार की बात करते हैं या आप सुरक्षा की बात करते हैं, इन्हीं चीजों को बेटर करने के लिए, इन्हीं चीजों को उमदा करने के लिए जो है हम राजनीति में आए हैं, और हम इसी तरह से जो है अच्छा काम जो है हम इस फील्ड में करते रहेंगे। स्वाति जी, एक पॉलिटिक्स की सच्चाई है कास्ट इक्वेशंस। जहां तक भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात है, यहां पर ऑलरेडी आप बिल्कुल नए हैं, आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा लेकिन ये सच्चाई है। तो कास्ट इक्वेशन के हिसाब से कांग्रेस का कैंडिडेट जाट है, बीजेपी का भी जाट है, यू बिलोंग टू यादव कम्युनिटी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसको इस तरह से देखती हूँ, जब मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया तो मैंने सिर्फ एक इंसान को देखा जो कि है दुष्यंत चौटाला जी। उसके बाद मैं उनकी माता जी को जो है मैंने हरी चुनरी चौपाल में देखा, उनसे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हुई। जब मैं भारत वापस आई थी तो मैं अपने पिताजी से बात करती थी कि यहाँ पर वुमेन कॉन्फ्रेंसेस क्यों नहीं होती, यहाँ पर जैसे US के अंदर नेटवर्किंग वुमेन कॉन्फ्रेंसेस होती है वो यहाँ पर क्यों नहीं होती। नैना चौटाला जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से जिस तरह से हरी चुनरी चौपाल का आगमन किया है, आप बताइए अगर पूरे इंडिया के अंदर इस तरह की कोई भी विमेन कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जहां पर महिलाएं एक साथ इतनी भारी संख्या में इकट्ठा होकर अपने मुद्दे उठा सकें, तो इस तरह का जो लक्ष्य है, इस तरह का जो गोल है, इस तरह की जो साफ छवि है, उसको देखकर जो है मैं राजनीति के अंदर आ जाई हूँ। जातिवाद में मेरा ना तो ज़्यादा विश्वास रहा है, ना कभी जो है हमारे परिवार ने इस तरह से कभी इस फील्ड में जो है इन्वॉल्वमेंट दिखाई, इस एरिया में जो है इन्वॉल्वमेंट दिखाई है। देखिए, आज अगर हम अपना कोई व्यापार भी करते हैं तो भी उसके अंदर हम सारी जातियों को रोज़गार देते हैं। हमारा काम है एज अ भारतीय, एज अ इंडियन नेशनल, हमारा काम है अच्छा काम करना। हमारा ये काम नहीं है कि हम जातिवाद के अंदर जो है वो पड़े, इससे सिर्फ गंदगी होगी, और जो आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे पहले वो जो है उसको सिर्फ बढ़ावा मिलेगा। तो मेरा जो है मेरा उद्देश्य बहुत क्लियर है, मुझे इस चीज़ में तो मुझे कभी अगर नहीं जानती इस चीज़ के बारे में तो आगे भी नहीं जानना है मुझे इस चीज़ के बारे में। वो जब हम विद्वान एक सारे विद्वान एक कमरे में इकट्ठे होंगे, सारे उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, तभी उसका जो है सही सोल्यूशन निकल सकता है। आपके सामने चुनौतियां भी, किसी पार्टी भी नहीं है, उम्मीदवार भी नहीं है, कैसे? बिल्कुल, देखिए आपका बिल्कुल ही वैलिड क्वेश्चन है। उसके साथ मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, देखिए अगर आज हरियाणा में विकास की ज़रूरत नहीं होती, अगर आपको लगता है कि जो मॉडर्न हरियाणा की बात की जाती है आज वही मॉडर्न हरियाणा हमारा है, तो हमें एक बदलाव की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ बैठा हर एक इंसान ये बोल सकता है कि हमें एक मॉडर्न हरियाणा, अगर हम चाहते हैं वहाँ तक पहुँचना, तो हमें एक बदलाव की, एक चेंज की, एक डिफरेंस जो है हमारी सोच में लाने की ज़रूरत है, और वो जो चेंज है उसका नाम है जननायक जनता पार्टी, उसका नाम ही है दुष्यंत चौटाला, और उन्हीं के जो पच्चे हैं उस पर जो है हम चलते जाएंगे, यही हमारा मेन उद्देश्य है। क्षेत्रीय पार्टी आपकी जी, जब तक केंद्र में अगर कोई दल मजबूत ना हो तो राज्य को राशि मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है जी, तो इसका तो नुकसान भी होगा। अगर मान लो आपकी पार्टी आती भी है 2-3 से 4 सीट, तो क्षेत्रीय दल ही क्या है? देखिए, आप हर इंसान है वो कहीं ना कहीं से शुरू करता है। आज हमने शुरू किया और जीन बाय पोल में जो है सब लोगों ने देखा कि हमें जनता का जो है कितना ज़्यादा प्यार मिला है। अगर हम अपनी पार्टी की बात करते हैं, आज हमें प्यार हर एक जगह से मिल रहा है। हम जिन भी गांवों में जाते हैं वहाँ पर हमें खूब प्यार, खूब सत्कार मिलता है। मैं किसी और पार्टी के ना तो मैं अगेंस्ट बोलूँगी, ना मेरी कोई इंटेंशन है उनके अगेंस्ट बोलने की, मैं सिर्फ अपने बारे में बता सकती हूँ, एक नेक सोच से मैं चल रही हूँ। बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं मिस्टर दुष्यंत चौटाला भाई। दुष्यंत ने जो मुझे आज सीट दी है उसका आप उदाहरण लेकर आप ये देख सकते हैं कि उनकी सोच जो है वो स्मॉल नहीं है, उनकी जो सोच है बहुत ही दूरदर्शी है। सोच
स्वाति जी बहुत ही संक्षिप्त में बता दीजिए आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे। जी बिल्कुल, हमारे चुनावी मुद्दे वही होंगे जो हमारे भाई दुष्यंत चौटाला जी जो हैं जो पार्लियामेंट में उठा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो मुद्दा होगा वो होगा किसान भाइयों का, दूसरा हमारा होगा यूथ की जो रोजगार है उसके ऊपर जो है हम काम करेंगे। आप सब लोगों ने सुना भी होगा कि हमारे मैनिफेस्टो में जो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंक्लूड करी है वो ये है कि 75% जो नौकरियां हैं प्राइवेट कंपनीज की इंस्टीट्यूशंस की वो हम अपने हरियाणा के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व करें। उसके अलावा महिला की शिक्षा, महिला की सुरक्षा और हमारे युवक और युवतियों के लिए जो शिक्षा है, ये जो है हमारे मेन जो है मेन पॉइंट्स मेन मुद्दे जो हैं ये रहेंगे। इसी के ऊपर हम आगे जो है विचार और विमर्श करेंगे। काफी गड़बड़ाया हुआ है, उसको कैसे सुधारेंगे और क्या गैप आप देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं अमेरिका की बात करती हूँ तो अमेरिका में मुझे शिक्षा भी मिली, अमेरिका में मुझे रोजगार भी मिला और अमेरिका में मुझे सुरक्षा भी मिली। पर अगर आज आप हरियाणा की बात करो तो ना ही तो हमारे युवक को और युवतियों को ना ही तो शिक्षा मिल पा रही है सही तरीके से, ना ही जो मैंने रोजगार कहा ना सुरक्षा। इस तरह से इसी डायरेक्शन के अंदर जो है हम चलना चाहते हैं। अब अगर आप हमारे गांव की बात करते हैं तो 6,841 विलेजेस हैं आज हरियाणा में, पर अगर आप शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा की जो पिरामिड है वो कुछ इस तरह से बनता है। जब आप प्राइमरी स्कूल्स की बात करते हैं तो हरियाणा में तकरीबन जो है 1,000 प्राइमरी स्कूल्स हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ी हायर एजुकेशन की बात करते हैं, 8 तक की बात करते हैं, तो वो स्कूल्स कम हो जाते हैं, 500 तक हो जाते हैं। और अगर आप सीनियर सेकेंडरी 12th की बात करते हैं तो वो स्कूल और भी कम होके जो है सिर्फ 150 से 200 बच जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे युवकों और युवतियों के लिए शिक्षा लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। मैं खुद इस चीज़ की एक एग्जांपल हूँ, एक उदाहरण हूँ, क्योंकि जब मैं बच्ची थी 12वीं कक्षा समाप्त करने के बाद मुझे बाहर जाना पड़ा, मुझे अपने देश को अपने हरियाणा को छोड़कर जो है वो बाहर जाना पड़ा। एक चीज़ मैं आपको जो बता सकती हूँ वो ये है कि मेरी माता जी, मेरे पिताजी का चाहे मेरे को कितना भी साथ रहा हो, पर मेरी माता जी को और कोई भी माता जी फॉर दैट मैटर कभी नहीं चाहेंगी कि उनका जो बच्चा है वो घर छोड़कर जो है वो बाहर पढ़ाई करना चाहे। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि हम शिक्षा के अंदर जितनी अच्छी इंस्टीट्यूशंस हम यहाँ पर ला सकते हैं, सरकारी स्कूलों में जितना से जितना हम सुधार कर सकते हैं वो हम जो है करेंगे। यहाँ पर शिक्षा के अंदर सब कुछ ही शामिल है। अगर आप सरकारी स्कूल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो है वो 1,000 से शुरू होते हुए वो 150 तक बच जाते हैं, जब अगर आप बड़ी जो है बड़ी क्लासेस की जब आप बात करते हैं। आज अगर हमारी बच्चियां हैं, सबसे ज़्यादा वो सफ़र करती हैं, क्योंकि अगर हमारी बच्चियां हैं वो पढ़ाई करना चाहती हैं तो उनको अपने गाँव छोड़ छोड़ कर जो है बहुत बार दूर जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। इसमें दो चीज़ें, अगर हम सरकारी स्कूल की बात करते हैं वहाँ कहते हैं शिक्षा अच्छी नहीं मिलती, शिक्षा अच्छी लेने के लिए हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो फीस बहुत सारी संस्थाएं हैं, हॉस्पिटल में पुरानी संस्थाएं हैं तो भारी भरकम फीस से भी लोग काफी परेशान हैं। तो क्या आप ये बात उठाएंगे कि प्राइवेट स्कूलों को भी सरकार की तरह से फीस लेनी चाहिए? देखिए, प्राइवेट स्कूल्स का जो मुद्दा है जो आप उठा रहे हैं वो एक अलग चीज है। प्राइवेट स्कूल का मुद्दा, आपने कहा कि जो सरकारी स्कूलों का स्तर डाउन हो जाता है 1,000 से हम 500 पे 500 पे 250 पे, लेकिन वही पहलू है तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा से नहीं मिल पाती तो प्राइवेट की तरफ जाएंगे, प्राइवेट में जा रहे हैं तो हर आदमी फीस नहीं दे पाता, भारी भरकम फीस है। बिल्कुल, देखिए एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं आज एजुकेशन डोमेन के अंदर घुसी हैं तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है वहाँ पर, इसीलिए जो है आज वहाँ पर उठ पड़े। जो आप जो ये बात बता रहे हैं कि जो फीस है वो ज़्यादा होती है कभी कभी स्कूल्स की, वो आप बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं। एक आम आदमी के लिए अगर हम शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, सुरक्षा की बात करें, ये बेसिक हाइजीन की चीज़ें हैं। डेफिनेटली जी, एक चुनावी मुद्दा होगा, सिर्फ ये नहीं बहुत सारे मुद्दे हैं बट हाँ ये भी जो है हमारा एक डेफिनेटली एक मुद्दा रहेगा। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी, जब सिर्फ 12th तक की पढ़ाई के बाद जब बच्चियाँ जो हैं, बच्चे भी हैं, जो हमारे युवक और युवतियाँ हैं, जब वो टेस्ट देने के लिए बाहर जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जामिनेशन हो, वो सेंटर्स भी हमारे हरियाणा के अंदर जो है वो बहुत कम। तो ये जो है सिर्फ एक पहलू नहीं है, इसके बहुत सारे पहलू हैं। अगर आप किसी भी समस्या को देखते हैं, आपका वन स्टेप अप्रोच अगर आप लें कि एक स्टेप मैं लूंगा और उससे सोल्यूशन हो जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता।